दिस इज इकोनॉमी पार्ट फाइव। देखो अब तक हमने तीन प्लान डिस्कस कर लिए थे, उसके अलावा हमने प्लान हॉलीडे डिस्कस कर ली थी, तो अब हमें पढ़ना है इसके बाद फोर्थ फाइव ईयर प्लान। अगर मैं बात करूँ ये कब से कब तक चला था, ये चला था 1969 टू 1974, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इस प्लान में अगर मैं बात करूँ कि इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे हम डिस्कस कर रहे आ रहे हैं सारे प्लान्स में कि इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, और दूसरा इस प्लान का मॉडल किस पर बेस्ड था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ऑब्जेक्टिव वॉज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अच्छा, मॉडल इसका किस पर बेस्ड था, ये था रुद्र एलन मॉडल, मॉडल का नाम था रुद्र एलन मॉडल। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देते कि क्या क्या इसमें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी हुई थी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा था, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हमने दिसंबर 1969 को लीड बैंक प्लान आया था जिसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, फोर्थ फाइव ईयर प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी जिसका हम जिक्र करते हैं। 1971 में हमारी इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। रीज़न क्या था, जो हमारा बांग्लादेश है इट यूज़ टू बी ईस्ट पाकिस्तान, राइट। अगर ये ईस्ट पाकिस्तान था, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये देखो ये यहाँ पे हमारा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे कुछ ये ईस्ट पाकिस्तान है, राइट, ये ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का कंट्रोल था, अच्छा पाकिस्तान यहाँ पर था, तो ये वाला पार्ट भी पाकिस्तान का हिस्सा था, ये बीच में इंडिया है। तो जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में बेसिकली उनकी लैंग्वेजेस थी जो वो पहले पढ़ते आए थे, जस्ट बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान से पहले ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था, राइट। अगर ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था तो यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान बना था, और यहाँ की जो लैंग्वेज थी इट यूज़ टू बी बंगाली। अब जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो प्रेफर करते थे बंगाली बोलना, और उनकी जितने भी उनका लिटरेचर था, जो लोकल लैंग्वेज थी, वो सब बंगाली थी। बट जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में ज़्यादातर बोली जाती थी उर्दू। तो पाकिस्तान ने क्या करा, यहाँ पे एट्रोसिटीज स्टार्ट कर दी, ठीक है, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें उन पर ज़बरदस्ती थोपनी स्टार्ट कर दी, और उन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए गए बेसिकली। तो जो पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के टॉप लीडर्स थे, दे हैड अ मीटिंग विद देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, और उन्होंने बोला कि हम एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, शी एग्रीड, और इंडिया ने, जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने जब लड़ाई करनी स्टार्ट करी, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट करा, एंड विद इन 13 डेज पाकिस्तान वो बैटल हार गया। 13 दिन के वो बैटल हार गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या करा, इंडिया के दो एयरफोर्स बेसिस पे अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने। वो चीज़ इंडिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि लड़ाई जो हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान में हो रही थी, तो इंडिया पे अटैक करने का मतलब था नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया को वो चीज़ पसंद नहीं आई, और इंडिया के जो उस टाइम में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी पाकिस्तान के साथ, वेस्ट पाकिस्तान में भी। तो इंडिया की जो आर्मी थी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो 15,000 किलोमीटर्स अंदर चली गई थी। अच्छा, यहाँ पे हमारा कुछ यूएसए लाया करता है वेस्ट रीजन में, और यूएसए से थोड़ा अगर ओशन से इधर जाएं तो यहाँ पे हमारा यूनाइटेड किंगडम लाया करता है। अच्छा, ये दोनों कैसे थे, अलाय थे, तो ये दोनों अलाय थे साथ में। इसके बाद जो यूएस के, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पीएम थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बोला कि हमारे बांग्लादेश में कुछ अमेरिकन्स फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए उन्होंने बोला आप लड़ाई बंद कर दें इंडिया से। इंडिया ने ये बात मानी नहीं, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने यहाँ से एक नेवल टास्क फोर्स यानी एक शिप, बेसिकली बड़ी शिप,
यहाँ से रवाना करी, कहाँ के लिए? इंडिया के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती, वो यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर आती और इंडिया को स्टॉप करती लड़ने से, ठीक है। अब यूके एक अलाया था, यूके क्या करता, यहाँ से यूके का एक शिप चला जिसका नाम था ईगल, और वो जाके कहाँ पे अटैक करता इंडिया को, वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। वो इंडिया की आर्मी को यहाँ पे रोकता, और ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे स्टॉप करते इस चीज़ को। तो जब ये चीज़ हो रही थी, इंडिया वालों ने ये चीज़ देख ली कि यूके, यूएसए और यूके हेल्प करने आ रहे पाकिस्तान की, तो इंडिया के जो रिलेशंस थे, जो इंडिया के रिलेशंस थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे रशिया से। इंडिया ने रशिया के साथ उस टाइम पे, रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, दैट मीन्स यूएसएसआर। अब इंडिया ने, इंडिया सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी करी हुई थी, इंडियन सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी इंडिया ने करी हुई थी। उसके तहत ये बोला गया था कि अगर इंडिया पे कोई भी एक्सटर्नल वॉरफेयर की स्थिति बनती है, कोई दूसरी कंट्री इंडिया पे अटैक करती है, तो रशिया हैड टू सपोर्ट इंडिया, फाइन। अब रशिया को ये बात, रशिया कुछ टॉप में इंडिया के ऊपर लाया करता है यहाँ पे, इसकी कुछ यहाँ पर लाया करता है, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, राइट। अब रशिया यहाँ पर बैठा था, सारी चीज़ें देख रहा था, बट रशिया के साथ क्या था, रशिया के पास सारी चीज़ें थी, उनके पास न्यूक्लियर आर्म शिप्स थे, एटॉमिक सबमरीन्स थी, बट उनके पास क्या था, जो उनकी रेंज थी, जो रशियंस की रेंज थी, वो थी सिर्फ 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर यानी वो दूर से अटैक तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने बोला कि हम अपनी सबमरीन्स को, रशिया को जैसे ही बात पता लगी, यूएस ने अपनी 7th फ्लीट रिलीज़ कर दी वहाँ से इंडिया के आने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि आप अपनी सबमरीन रिलीज़ करो और अपनी सबमरीन को नीचे ही रखना, उनको ऊपर मत आने देना, और जैसे ही तुम्हारी अमेरिकन सबमरीन आपको दिखने लगती है, तब आप अपनी सबमरीन्स को ऊपर ले आना। तो यहाँ से आ रही आते जैसे ये यहाँ पर पहुँचे कुछ इंडियन ओशियन में, तो यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन रशिया की सबमरीन्स बाहर आ गई। ये चीज़ देखते हुए, ये चीज़ किसने देखी पहले, यूके वालों ने देखी, जो इनकी शिप आ रही थी ईगल शिप ने देख लिया कि यहाँ पे रशियंस है, ऑलरेडी है, तो रशियन ने एक कम्युनिकेशन यूके वालों का इंटरप्रेट करा था, वो कुछ बोल रहा था, जो कमांडर थे ब्रिटिश कैरियर बैटल शिप के, उन्होंने बोला कि सर वी आर टू लेट, द रशियंस आर ऑलरेडी हेयर एंड द रशियंस हैव एटोमिक सबमरीन्स हेयर एंड अ बिग कलेक्शन ऑफ बैटल शिप्स, राइट। जब ये चीज़ देख ली यूके वालों ने, तो यूके वालों ने यहाँ पे कुछ बीच में लाया करता है आपका अफ्रीका, तो वो अफ्रीका की तरफ मुड़ गए, यहाँ से आते आते यूं अफ्रीका की तरफ मुड़ गए, राइट। और जो यूएसए की फोर्सेज थी, वो यहीं पे रुक गई, ठीक है, वो पीछे ही रुक गई, वो बे ऑफ बंगाल में एंटर ही नहीं करने दी, जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया। अच्छा, ईस्टर्न फ्रंट पे यहाँ पे कुछ हमारा एक विक्रांत भी खड़ा था, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो विक्रांत यहाँ पे खड़ा था, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत यहाँ पे खड़ा था जस्ट टू अटैक यूएस। लेकिन ये इतना छोटा था, देखो इतना छोटा क्यों था, जो यूएसए का जो भी वॉरशिप था उसमें देखो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, वो था 75,000 टन, और चलता किससे था, न्यूक्लियर पावर से। इंडिया की कैपेसिटी सिर्फ कितनी थी, विक्रांत की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटी थी सिर्फ 20,000, और वो किससे नहीं चलता था, वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं था सबसे बड़ी, तो एक बहुत बड़ा इशू था इंडिया के पास। इसमें कितने फाइटर्स आ सकते थे, 20 फाइटर जेट्स आ सकते थे, और वो भी कौन से, लाइट हल्के वाले। यूएस की कैपेसिटी कितनी थी, इनके पास 70 फाइटर जेट्स आ सकते थे, राइट। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस था, बट तो ये स्टोरी है यहाँ पे 1971 जो हमारा वॉर हुआ, डायरेक्टली लड़ाई हुई थी हमारी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, टू लिबरेट ईस्ट पाकिस्तान, और इनडायरेक्टली हमारी लड़ाई दोनों से हुई थी, यूके और यूएसए, जिसमें हमारी हेल्प करी थी रशिया ने, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था रशिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अगर हमारा अब ये ख़त्म हो गया, हमारा 4th 5-year plan ख़त्म हो गया, लेट्स स्टडी अबाउट 5th 5-year plan, कब से कब तक चला था, 1974 to 78, राइट। इसमें बात करते हैं सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, प्लस ये मॉडल क्या था। देखो मॉडल था डीपी धर मॉडल, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे पॉवर्टी रेडिगेशन, गरीबी हटाओ,
इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक मेन मुद्दा था यहाँ पे, ठीक है। अब मॉडल की बात कर लिया, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि इस फाइव ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें हुई थी। देखो मई 1974 को इंडिया ने अपना फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था, फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, इसका कोड नेम क्या था? इस टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। देखो ये न्यूक्लियर टेस्ट करना इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यूएस जो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था इंडिया पे, क्यों, जब भी लड़ाई होती थी यूएस इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट करता था? पाकिस्तान को, और डायरेक्ट प्रेशर बनाता था इंडिया पे कि वो लड़ाई को बंद कर दे, जबकि हम स्टार्ट नहीं करते थे। के बाद 1974 में ही इंडिया ने इम्प्लीमेंट करा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। राइट, इसके बाद 1974 में एक और चीज़ हुई, हमने स्टार्ट करा मिनिमम नीड प्रोग्राम। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 1975 में इंडिया ने क्या स्टार्ट करा? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। एंड इसको अगेन, इस 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को इट वॉज रीस्टार्टेड इन 2006। राइट, इसके बाद 2 अक्टूबर 1975 को हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, रीजनल रूरल बैंक, जिसको बोलते हैं आर आर बी, हमने वहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, रीजनल रूरल बैंक हमने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। एट प्रेजेंट आई गेस 56 RRB है, जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उनमें पता लगता है, उन्हें पोस्टें निकलती रहती है पीओ वगैरह के लिए। इसके बाद 1977 से लेके 78 तक हमने कौन सी योजना चलाई? अंत्योदय योजना। इस योजना के तहत काम के बदले अनाज प्रोवाइड कराया जाता था लेबर फोर्सेस को। इस योजना को हमने अगेन रीस्टार्ट करा कब? 25 दिसंबर 2000 में, गरीबी हटाओ, ठीक है। इस प्लान में यही इम्पोर्टेंट स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ। देखो एक रोलिंग प्लान आया, इसके बाद आया रोलिंग प्लान, कब आया? 1978 to 1980। राइट, इसमें देखो दो तीन चीज़ें ही है, फटाफट देख लेते हैं। इस टाइम पे हमारे जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी पहली बार लीड करी थी। उसके बाद ये मॉडल किस पर बेस था? ये था गुन्नार मृदाल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट बुक लिख कर गई थी रोलिंग प्लान के ऊपर, उसका नाम है एशियन ड्रामा। राइट, रोलिंग प्लान में इतना ही है। देखो ये प्लान जब इम्प्लीमेंट करा गया था, जब हमारी INC इलेक्टो कराई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, तो रोलिंग प्लान इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हमारा प्लान था ये एक्चुअली सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान था, बट जब जनता पार्टी आई थी उनकी पूरी यूनिटी नहीं थी और उनको पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण ये हट गई थी गवर्नमेंट। उसके बाद हमारी INC जब आई, उन्होंने इस फाइव ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया, यानी सिक्स प्लान को कैंसिल कर दिया, तो इस प्लान का क्या नाम यहाँ पे आ गया? इस प्लान का नाम आ गया रोलिंग प्लान, और INC ने जब रिजेक्ट कर दिया था इसको, उसके बाद हमारा सिक्स्थ प्लान INC लाई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस लाई थी सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान। देखो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बैंक की, जैसे इस प्लान की ऑब्जेक्टिव की बात करते, इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था?
अगेन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ पुअर थ्रू मिनिमम नीड प्रोग्राम थ्रू मिनिमम नीड प्रोग्राम राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस ये मॉडल किस पर बेस्ड था, ये मॉडल बेस्ड था इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल से देखो क्या समझते हैं, जो हमारे जितना भी रॉ मटेरियल था उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करके हमें क्या बनाना था, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है। ये इस चीज़ पर बेस्ड था कि इंडिया में सारी चीज़ हो जाए और हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। अच्छा, इस प्लान की एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये प्लान वो प्लान था जब हमने पहली बार, हम किस तरफ जा रहे थे, हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। ऐसा क्यों था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्यों ज़रूरी था? देखो, इंडिया का पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट इतनी थी नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, और दूसरा वर्ल्ड के साथ अगर हमें ग्रो करना था एक डिसेंट पेस पर और अपनी डेवलपमेंट अच्छे लेवल पे करनी थी, तो हम चाहते थे कि हमारे जो कंपनीज हो वो ज़्यादा एडवांस हो। अब इतनी कंपनी एडवांस इसलिए नहीं थी क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी कंट्री में, तो हम चाहते थे कि बाहर की कंट्रीज आए, अपने प्लांट वगैरह इंडिया में लगाए, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और इंडिया की भी तरक्की होगी। बट इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंडिया वाले सोच रहे थे कि ऐसा ना करे तो ही ठीक है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा हम गुलामी में आ जाए। तो बट यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट हो गया था लिबरलिज्म आना, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आना, और प्राइसेस पर जितने भी प्राइस कंट्रोल हटाने बंद कर दिए थे उन्होंने, यानी जब हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ जा रहे थे जितने भी हम प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करते थे वो सब हमने बंद कर दिया था। उसके बाद जो राशन शॉप्स थी उनको भी हमने क्या कर दिया था, क्लोज़ कर लिया था। अच्छा, जब हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे, जब हम प्राइस कंट्रोल भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ जा रहे थे, हम प्राइस भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, उसके बाद हमने जो राशन शॉप्स थी जो सस्ता अनाज प्रोवाइड करती थी वो भी हमने बंद कर दी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो फूड प्राइसेस थे ऑब्वियसली वो क्या जाएंगे, वो बढ़ गए थे काफ़ी। और जब फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, यानी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ पे जो आपका रहन सहन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, खाना पीना, कपड़े वगैरह, फ्लैट के रेट्स वगैरह, वो सब क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत क्रिएट कर रही थी सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में। इसके बाद सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी बेसिकली, उसका धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कम हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दिस वॉज एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था, मतलब स्टार्ट क्या हो गया था, ख़त्म ही हो गया था, दिस वॉज एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। इसके बाद अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी यहाँ पे, जो हमारा पॉपुलेशन था एक बहुत बड़ा मेन कंसर्न बन गया था सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। अब जब एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, ये तो दो इम्पोर्टेंट बातें होगी। अब देखते हैं कि इसमें सीक्वेंस वाइज क्या हुआ, 15 अप्रैल 1980 को सिक्स प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, सिक्स प्राइवेट बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं 12th जुलाई 1982 को हमने NAB ARD का फॉर्म करा, यानी नबार्ड बोलते बहुत से बच्चे इसको, NAB ARD का हमने फॉर्म करा। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
देखो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनएबीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी थी, और उसमें एग्रीकल्चर ना दे के उन्होंने पहले में लिख दिया था एग्रीकल्चरल, ऑप्शन वन में सारी चीज सेम थी और एग्रीकल्चर की जगह एग्रीकल्चरल लिख दिया था, सारे बच्चों ने यही टिक मार दिया था और वहीं पे नंबर हो गए थे गलत। तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि फुल फॉर्म में जो चीज आपको बताई गई है आप उसी को ध्यान देना, वरना क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा और ये दिक्कत क्रिएट करता है एंड में आगे। इसके बाद देखते हैं, अच्छा ये एन ए बी ए आर डी क्या है? ये जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक यानी सबसे बड़ा बैंक है किस चीज के लिए? एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल प्लस रूरल क्रेडिट के लिए। अगर आपको खेती से लिए कोई भी लोन लेना है या फिर आपको घर बनाने के लिए रूरल एरियाज में कोई भी लोन लेना है, उसके लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? NABARD। इस चीज को याद रखना। अच्छा 1982 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, हमने एग्जिम बैंक भी बनाया। एग्जिम बैंक का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये 6th 5 ईयर प्लान का एंड है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के प्लान्स कंटिन्यू